टर्मिनेट किए गए, तमाम बच्चों से मिलने पहुँच चुके हैं। और ये उपराज्यपाल का जो वाहन है वो यहाँ आ गया है, सिक्योरिटी भी यहाँ पर पूरी इसी तरह हमें से कुछ बच्चे स्टाफ नर्सेस हैं, कुछ बच्चे फार्मासिस्ट हैं, कुछ बच्चे लैब टेक्नीशियन हैं, कुछ लोग एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हैं, अंडर वेरियस पोस्ट में एम्प्लॉय किया गया। फिर उसके बाद हमारी जब ज्वाइनिंग हुई हमें अंडर कोविड-19 के अंडर रखा, जो कि शुरू में अपॉइंट हुए थे कोविड-19 के बाद। आ गए बहुत सारे ऐसे से इस वक्त की बड़ी खबर यहाँ पे जो माननीय उप सर लगातार चार दिन से ये बच्चे बैठे हुए थे, आज आप क्या कहेंगे सर? इनके अंदर भी खुशी की लहर उमड़ पड़ी है। आराम से छोड़ दो सर, ये मैं कल यहाँ आया था, मेरी जानकारी में आया तो दो फैसले हमने किए हैं। एक तो इन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन हम तुरंत दे रहे हैं, ओके। और दूसरा, जितनी पोस्ट है यूटी के पास वो हम एडवर्टाइज करेंगे, और क्योंकि कोविड में इन लोगों ने बहुत ही मन से काम किया है तो नियुक्ति में इनको हम वेटेज देंगे ताकि ये बच्चे मेहनत कर सकें और समाज की सेवा कर सकें। सैलरी का भी इशू है, सैलरी की बात की जाए, आशा वर्कर को भी जो है सैलरी नहीं मिल पा रही, ये सब उनके लिए भी बड़ा ऐलान। अच्छा जी, जो विषय है उस पर बात करिए और किसी की सैलरी नहीं। सर जैसे कि आप सब देख रहे हैं, एलजी साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने आश्वासन दिलवाया है कि 3 मंथ्स के लिए हमारा एक्सटेंड किया जाता है, और उसके बाद जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जितने भी एडवाइसमेंट निकलेंगे उसमें फर्स्ट चांस हमें ही दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर मैं एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ आने की जहमत उठाई, और हम सब बहुत खुश हैं। बच्चों को डिसएंगेज किया गया था क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक 3 से 6 महीने ही इनको रखना था, लेकिन एलजी साहब ने इनकी भावनाओं को भी समझा है, और हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए भी पैरामेडिक्स अगर और उन्होंने एंगेजमेंट का ये जो वो है 3 महीने और एक्सटेंशन किया है इनका, और साथ में ये भी सांत्वना दी है कि परमानेंट इनकी जो रिक्रूटमेंट के तरीके हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जल्दी करेगा, इनमें से काफ़ी बच्चे हमारे मेरिट के बेसिस पे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी हो जाएंगे।